एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में पुलिस ने देर शाम को नकली मावा और केक बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। और इसके साथ ही एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में एएसपी बचन सिंह मीणा और सीओ सिटी प्रवीण महेला ने एक साथ रिको क्षेत्र में दो अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर कार्रवाई की। छापे के दौरान पाउडर से मावा और एक केक बनाने की दो फैक्ट्रियां पकड़ी, जिसमें बड़ी मात्रा में मावा और केक बनता हुआ पाया गया। पुलिस ने मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के टीम को मौके पर बुलाया और देर शाम को पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में लेन देन व खरीद फरोख्त करके एक व्यक्ति नाबालिग दो बालिकाओं की शादी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नहीं करवा पाया, तो वह अब धौलपुर में उन दोनों बालिकाओं की शादी करवाने की तैयारी कर रहा है। नाबालिग बालिकाओं की धौलपुर में शादी होने की सूचना मिलने पर एक परिवारवादी ने एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर को सूचना दी, जिसके बाद एडीएम सुदर्शन सिंह ने एसपी नारायण टोगस और एसडीएम भारती भरद्वाज को अति आवश्यक पत्र जारी करके बालिकाओं की शादी रुकवाने और शादी रुकवाने करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही, जिसके बाद एसपी नारायण टोगस ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को नाबालिग बालिकाओं की शादी के बारे में पता करने के निर्देश भी दिए, जिसके बाद पुलिस की टीमें जिले भर में अलर्ट मोड पर होकर नाबालिग की शादियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एडीएम सुदर्शन सिंह ने बताया कि नाबालिग दो बालिकाओं की शादी करवाने के मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए एसपी नारायण टोगस और एसडीएम भारती भारद्वाज को पत्र जारी करके बालिकाओं की शादी रुकवाने व आरोपियों को पकड़ने के लिए निवेदन भी किया गया है। धौलपुर जिले के उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के सुनीपुर गांव में छप्पर पोस मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तमाम प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस घटना में छप्पर पोस मकान में रखा सब कुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की बहन की बेटी की शादी थी, ऐसे में वे भात की तैयारियों में जुटे थे और काफी सामान इकट्ठा किया गया था। आगजनी की घटना में 1 से 1.5 लाख की नकदी, 40 से 50 मन सरसों, गेहूं के 10 कट्टे व घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर एसडीएम राधेश्याम मीणा, हल्का पटवारी नीलम सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान की जानकारी ली। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शादी की तैयारी चल रही थी, ऐसे में आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया है। छप्पर पोस मकान में भीषण आग लगी, जिस पर से सारा सामान, शादी के सामान के साथ ही घर का रखा हुआ बाकी का सामान भी जलकर राख हो गया। इसके साथ ही नकद रुपए भी जो रखे थे वो भी जलकर राख हो गया। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और पीड़ित के घर में शादी की तैयारी चल रही थी। ये धौलपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर छप्पर पोस मकान में भीषण आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया है। खबर हनुमानगढ़ से है जहां पर राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर नहरबंदी के दौरान रिलाइनिंग का कार्य चल रहा है और इस कार्य के कारण नहर में 28 अप्रैल से पूर्णबंदी हो गई थी। इन कार्यों के निरीक्षण के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की भी ड्यूटी लगाई हुई है और इसके साथ ही जो दिन रात नहर पर चल रहे निर्माण कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता मूल सिंह चौधरी ने भी नहर पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य सही न होना पाया और इसके साथ ही अधीक्षण अभियंताओं ने कहा कि हमारे विभाग के अभियंताओं की ड्यूटी लगी हुई है जो भी दिन रात नहर पर रुक कर ठेकेदार के कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं 28 दिनों की नहरबंदी के दौरान विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों के सामने भी कार्य पूर्ण होने की एक बड़ी चुनौती होगी।